चलिए गाइस शुरू करते एक और जबरदस्त कहानी की और हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पर आ रही भी कहीं आई बटन जाके देख लेना, और ना मिले तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। हॉन्टेड टेम्पल के साथ हुआ हुआ, चलिए शुरू करते आज की कहानी। सो लेट्स बिगिन। आज की जो कहानी है वो मेरे फ्रेंड के साथ में मेरे फ्रेंड ने भेजी हुई कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की ओर। कहानी आउट ऑफ स्टेट कंट्री की है लड़कियों, और आज की कहानी जो ऐसी है जो स्पेशली लड़कियों के लिए हो, जो छोटी बच्ची हो, एज वाले हो, मतलब उनको डॉल के साथ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक हो, डॉल के साथ हमेशा खेलती हो, उनके साथ ही बैठ के उनसे ही बातें वगैरह करना हो, इतनी सारी क्यूट क्यूट बातें करना, उनके साथ ही खाना खाना, रात को ही उनके साइड में साथ में सोना। सो ऐसी कहानी शुरू करते हैं आज की। आज की कहानी जो है वो लंदन से आई हुई कहानी है, मेरा फ्रेंड रहता है और उसके पड़ोसी में बीती हुई ये कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लड़की का नाम एलिना होता है और एली को डॉल का बहुत शौक होता है खेलने का, कूदने का, और उसको बर्थडे पे, हर बर्थडे पे उनके पेरेंट्स डॉल का हमेशा कुछ कुछ डॉल देते रहते हैं। उनके घर में डॉल का शौक होता है, बहुत ज़्यादा उनके घर में डॉल्स है। ऐसे ही हुआ जब एली 15 साल की हुई, और उसको पता था कि एक रात पहले उसको बहुत एक्साइटेडमेंट था कि मुझे डॉल मिलेगी, ऐसे गिफ्ट मिलेगा, 12 बजे होगा। सो ऐसा ही हुआ, एली इसी शॉप में रही और अराउंड 10 बजे 11 बजे शायद, हाँ 10 बजे सो गई थी अपने बेडरूम में जाकर। बेडरूम में सो गई, फिर रात की करीबन 12 बज गए, एली का बर्थडे था उस नेक्स्ट डे, एली का बर्थडे था। तो रात को 12:30 पेरेंट्स आते हैं, एली के पेरेंट्स आए, वो अंदर रूम में घुसे और उन्होंने, एली तो बेड पे सो रही थी तो उन्होंने साइड में बॉक्स रख दिया गिफ्ट का, और कुछ ढेर सारी चॉकलेट्स थी वहाँ पर, बहुत सारी चॉकलेट्स थी। तो चॉकलेट्स रख कर वहाँ फिर एली के पेरेंट्स वापस अपने कमरे में चले गए। अचानक रात के 2 एली की आँख खुलती तो कुछ हुआ होगा, कुछ आई डोंट नो। तो आँख खुल के देखा कि साइड में उसका एक बॉक्स पड़ा है, बॉक्स और काफ़ी से ढेर सारी चॉकलेट्स वगैरह पड़ी है। तो एली ने वो बॉक्स खोला तो अंदर से एक अचानक एक ऐसी परफ्यूम की स्मेल आने लगी, अंदर बहुत ज़्यादा मीठी खुशबू आ रही थी, मीठी खुशबू आ रही थी। तो बॉक्स खोला तो एक पिंक कलर की गुड़िया थी अंदर पहनी हुई डॉल के साथ, वो पहने फिर देखा, फिर यहाँ पर गले पे एक छोटा सा बटन था जिस पे लिखा था, यानी वो बटन दबाओगे तो उसमें से बोलता था हैप्पी बर्थडे एनी, हैप्पी बर्थडे एनी, ऐसा करके एक क्यूट सॉन्ग बता था। और वो सॉन्ग जब कुछ सेकेंड्स तक वो एली को बहुत अच्छा लग रहा था, बट धीरे धीरे वो सॉन्ग का स्पीड बढ़ता ही जा रहा था, एली के कानों में लगते जा रहा, कानों में बहुत ज़्यादा लग रहा था, और डेली लाइट्स ब्लिंकिंग शुरू हुई, अच्छा लग, बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग शुरू हुई लाइट्स। फिर क्या हुआ था, धीरे धीरे उसको ऐसा लगा कि उनकी शेप भी चेंज हो रही थी अचानक। ऐसा करते करते एली के पेरेंट्स दूसरे रूम में सो रहे थे तो अचानक उनको एली की आवाज़ आई, तो वो एली के पेरेंट्स दौड़ते दौड़ते उसे आते आते जल्दी जल्दी आए और उनके रूम में जाकर एली को ऐसा कुछ हुआ नहीं, सुबह उठी आई तो उसका डॉल था, वही डॉल और ढेर सारी चॉकलेट, वही डॉल। फिर गिफ्ट खोल के देखा अंदर सेम डॉल निकली, वही ड्रेस, पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और करीबन वही खुशबू आ रही थी। फिर अचानक फिर एली का बर्थडे था उस दिन, तो उसने बहुत सारी चॉकलेट लेकर स्कूल में गई,
स्कूल में गई, फिर चॉकलेट्स वगैरह बांटी और क्लास में बांट के वगैरह सब, और फिर क्लास शुरू हो गया था एली का क्लास शुरू होने लगा। अचानक एली को पता नहीं क्या हुआ, मुर्गी के दोहरे पड़ने लगे, आई डोंट नो पता नहीं क्या हुआ। तो क्लास मैडम थी उन्होंने तुरंत एली की मम्मी को फ़ोन लगाया और उन एली की मम्मी आई और उनको हो सके इतना जल्दी हॉस्पिटल ले गए एली को। और डॉक्टर जो था वो क्रिश्चियन में फादर था उनका, क्रिस मंदिर में, ऐसा ही हुआ। और उन्होंने एली को देखते ही वो समझ गए कि कुछ तो हुआ है एली के साथ। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बस ऐसा बोला कि 7 डेज का बेड रेस्ट करना, और ऐसा कुछ बोला नहीं। फिर अपने घर में गए, 3-4 दिन तक एली को मुर्गी के दौरे आने लगे, अचानक कुछ ना कुछ होता, आँखें बड़ी होना, आँखें घूमना वगैरह बहुत अजीब होने लगा, बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन एली की मम्मी अपने कमरे में सो रही थी, रूम में सो रही, तो अचानक ऐसा लगा एली की मम्मी को कि उसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। तो ऐसे मतलब पेट के ऊपर कोई चढ़ के बैठा था, जैसे ही उसकी आँख खुली तो देखा कि वो कोई आत्मा या क्या था वो उसके ऊपर, वो लोग एक दूसरे को देख रहे, देखते वही ड्रेस पहनी हुई थी, पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, और वही खुशबू आ रही थी जो एनी की डॉल को दी गई थी, वही खुशबू आने लगे। फिर अचानक एनी की मम्मी जोर से चिल्लाने की वजह से वो आत्मा भागती भागती सामने एक मिरर में देखा कि एनी चुप थी। मिरर में दिख रहा है कि एनी है, पर सामने जो दिख रहे वो आत्मा जा रही। तो पता नहीं चला, वापस डॉक्टर के पास गए तो फिर बताया कि भाई ऐसा क्या हुआ इसके साथ। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं इसको तो मैंने पहले दिन से ही मुझे पता चल गया था कि इसको किसी आत्मा ने उसको जब्त कर लिया और पूरा अपने वश में कर लिया। तो इसलिए मैं उस टाइम पे क्यों नहीं मैं बोल पाया, क्योंकि वो आत्मा मेरे सामने बैठी, तो उसकी वजह से मैं नहीं बोल पाया था। तो बोला कि ठीक है, मैं एक उनके फादर कृष्ण से बात करता हूँ और अभी घर भेजता हूँ। तो कृष्ण अपने उनके फादर कृष्ण फादर आए थे, उनके घर पे आए, 5 दिन तक का ने बोले तो हवन जाप तंत्र मंत्र किए गए। तंत्र मंत्र के 5 दिन के बाद वो आत्मा एनी की बॉडी से छोड़ के चली, इसलिए बोला जाता है। तो आज की कहानी ये करते हैं एंड, इसलिए बोला जाता है कि डॉल वगैरह लो तो अच्छे से देख कर लो किस टाइप की कब कैसी डॉल है, किसी को नहीं पता। आज एनी की हालत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो आज की बस वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास अगर कोई स्टोरी हो, आप बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मेरे को भेज सकते हो। इंस्टाग्राम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप मैं स्टोरी भेजिए अपनी पूरी, जो आपके साथ कभी आपके साथ या आपके फ्रेंड के साथ जो भी कहानी जो स्टोरी हो, हॉरर वगैरह, सब आप मेरे को भेजिए। हो सकता है कि अगली कहानी आपके साथ ही बीती हो, या आप बताओगे आपकी स्टोरी मैं सुनूंगा। तो चलिए करते हैं आज का एंड। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।